पप्पू यादव की निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही पूर्णिया सीट और पप्पू यादव दोनों चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी यानी जेएपी का कांग्रेस में विलय किया, फिर भी वो पूर्णिया से इस बार बेटिकट रहे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के फैसले से अलग जाकर निर्दलीय पर्चा भरा है। बता दें, पूर्व सांसद पप्पू यादव पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने से नाराज है। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उनका कहना था कि जब टिकट काटा तो मैं 2 दिन तक सुसाइड का सोचता रहा। बता दें कि इंटरव्यू के दौरान पप्पू यादव आरजेडी से मिले ऑफर, कोरोना में किए गए अपने काम और राहुल गांधी के पीएम बनने के चांसेस समेत कई मामलों पर बेबाकी से बात करते हुए दिखे। बता दें, जब पप्पू यादव से पूर्णिया की जगह किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो उनका कहना था, पूर्णिया मेरा घर है, मैंने ये बात कहा था कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर आप हमें मधेपुरा जाने के लिए कहेंगे तो इससे बेहतर है कि सुसाइड कर लेना। एक समय में यथास्थिति आई, मेरे मन में आया कि इतनी गंदी राजनीति के बीच हम नहीं रह सकते। 2 दिन तक मैं सोचता रहा, मैंने पांडव की तरह 5 गांव तो नहीं मांगे थे, हम एक बहुत छोटी चीज मांग रहे थे जिस पर पूर्णिया की जनता का अधिकार है। पूर्णिया की जनता अपने बेटे को देखना चाहती थी, हम तो लालू यादव के साथ सीएम बनने तक रहे। इससे पहले भी लालू यादव ने मेरी मां के खिलाफ गठबंधन में एलजेपी को टिकट दिया, 20,000 वोट आए। मेरे खिलाफ सीपीएम के खालिद साहब को टिकट दिया गया, 28,000 वोट आए। जनता दल के दिलीप जी को टिकट दिया गया, 43,000 वोट आए। वहीं जब पप्पू यादव से पूछा गया कि टिकट कटने के बाद लालू यादव से कोई बात हुई, तो इस पर उनका कहना था, क्यों होगी मेरी बात, उनकी एक ही रट थी कि मधेपुरा चले जाइए और आरजेडी चले जाइए, और ये प्रयास नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल के 12 बजे तक हुआ। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मैं मधेपुरा से लड़ लूं। उनको पता है कि मधेपुरा में पप्पू यादव को कोई नहीं रोक सकता, वो हमें क्यों रोकेंगे, उनका अधिकार तो नहीं है। हालांकि कई बार उनके परिवार के लोगों से इधर मेरी बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, लालू यादव से जुड़े सवाल पर उनका आगे कहना था, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी के भरोसे जब मैंने AICC ज्वाइन किया, लार्जर कॉज और बॉर्डर प्लेटफॉर्म का एक मौका मिला, ये तो लालू जी से ही पूछिए, ऐसा कौन सा दर्द हो गया। आरजेडी पाटलिपुत्र में 3 बार चुनाव हार गई है, कोसी सीमांचल में आपका कुछ नहीं बचा, 2-2 बार मधेपुरा हार जाते हैं। आपने पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल सारी सीटें ले ली ताकि कांग्रेस को कोई सीट ना मिले और पप्पू यादव को कांग्रेस से लड़ने का मौका ना मिले। इतना ही नहीं, इस दौरान पप्पू यादव ने दावा किया कि राहुल और प्रियंका का उन्हें मौन समर्थन है। ऐसे में पप्पू यादव के इस दावे पर कांग्रेस क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।